आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक स्किन केयर टिप्स जो हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं हमारी स्किन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रेजेंटली वर्किंग विद अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, फेस वॉश करते समय हमें क्या टिप्स फॉलो करने हैं जिसके कारण हमारी फेस की स्किन अच्छे से फॉलो हो सकती है। सबसे पहले फेस वॉश करने के लिए हमें एक जेंटल क्लींजर यूज़ करना चाहिए। या आपको क्या फेस वॉश यूज़ करना चाहिए ये डिपेंड है आपकी स्किन टाइप क्या है। नॉर्मली जेंटल क्लींजर के साथ जब भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको ल्यूकॉम वाटर लेना चाहिए, ना कि एकदम गर्म पानी लेना चाहिए। उसके बाद जेंटल क्लींजर लीजिए, आपको वो आपके फिंगर टिप से लेना है और फिंगर टिप से आपको वो चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। हमें एक टेम्पटेशन रहता है, हम कभी भी कुछ काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो चेहरे के ऊपर ऐसे हाथ लगाते हैं और फिर उसको स्क्रैच करने लगते हैं, तो हमें ये टेम्पटेशन कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमारे चेहरे के ऊपर स्क्रैच मत कीजिए, कुछ भी हाथ कंटिन्यूस हाथ मत लगाइए जिसके कारण हमारी स्किन इरिटेट हो सकती है और फिर ड्राई हो सकती है। हमारे चेहरे के ऊपर कम से कम स्क्रबिंग करना चाहिए। आपको चेहरा धोने के लिए क्लींजर यूज़ कीजिए या फिर फेस वॉश यूज़ कीजिए, लेकिन जो हम स्क्रबिंग यूज़ करते हैं उसके कारण हमारी स्किन ड्राई होती है, इरिटेट होती है और बहुत से टाइम वो सेंसिटिव होने लगती है। फिर उस चेहरे के ऊपर जब हम बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगते हैं तो फिर वो सूट नहीं होते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारी स्किन और ख़राब होने लग रही है। तो हमें एक टेम्पटेशन जो है स्क्रैचिंग का, स्क्रबिंग का कम से कम करना चाहिए। हमारे एक रूटीन अच्छे से फॉलो करना चाहिए कि हमें दिन में कम से कम 2 टाइम हमारा फेस अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और जब भी हमें स्वेटिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के बाद हमारे चेहरे के ऊपर परस्पिरेशन बढ़ने लगता है, उसके कारण फिर स्किन ड्राई हो सकती है, इरिटेट हो सकती है। तो हमें दिन में 2 टाइम चेहरा वॉश करना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कीजिए और उसे चेहरा क्लीन कीजिए। फिर जब भी हमें परस्पिरेशन हो या फिर ज़्यादा स्वेटिंग होने लगे तो हमें तुरंत हमारा चेहरा वॉश करना चाहिए। फिर वो 2 या 3 टाइम हो, लेकिन ज़्यादा स्वेटिंग हो तभी हमें चेहरा वॉश करना चाहिए। जब भी हम हेलमेट यूज़ करते हैं, कैप यूज़ करते हैं तो वो उसका परस्पिरेशन बढ़ने लगता है, स्वेटिंग बढ़ने लगती है जिसके कारण स्किन इरिटेट हो सकती है। तो जब भी हमारी स्किन कोई ज़्यादा ड्राई हो, इरिटेड हो, तो चेहरा वॉश करने के बाद हमारे चेहरे के ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। आपकी स्किन ऑयली हो फिर भी हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। एक लाइट मॉइस्चराइज़र आता है जो कि नॉन कोमेडोजेनिक रहता है, जिससे हमें पिंपल नहीं बढ़ते हैं। तो डोंट वरी, आपकी स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई हो, चेहरा वॉश करने के बाद कम से कम सोते समय एक बार तो भी हमें चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थे जो हमने बताया कि बेसिक स्किन केयर रूटीन आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि पहले हमें चेहरा कैसे वॉश करना चाहिए। ये टिप्स आप अच्छे से फॉलो कीजिए और आपकी चेहरे के ऊपर जो अच्छी हेल्दी स्किन है, वो ग्लोइंग स्किन है, आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आपको स्किन रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम उसे प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे।